जबलपुर पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था के दावे भी करती हैं, पर महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध ये सिद्ध करते हैं कि पुलिस का महिलाओं के प्रति सुरक्षा व्यवस्था का दावा देना कितना सही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब माढ़ोताल थाना के मदर टेरेसा निवासी घनश्याम विश्वकर्मा की पुत्री शालिनी विश्वकर्मा को नगर निवासी गोलू रजक द्वारा बदनाम करने की बात को लेकर धमकाया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा संबंधित माढ़ोताल थाने में की गई, लेकिन पुलिस मामले में कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उन्हें समझाइश दे रही है और कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बच्ची को प्रताड़ित करता रहा गोलू रजक नाम का लड़का, ये अपना टगर में रहता है। तो अभी तक पुलिस ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं की और वो घूम रहा है बेखौफ, है ना। और उन लोग के आए दिन की यही यही लपड़ा रहे कि हमारे घर के सामने आके दम देता रहा बच्चियों को हमारे, और उस कारण से हमारी बच्ची ने वो आग ही लगा ली। वो बहुत बहुत प्रताड़ित करता रहा, इस कारण से हमारी बच्ची ने आग ही लगा ली और वो ख़त्म हो गई।